सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। एंड आज के इस वाले वीडियो में गाइस, मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने किसी भी वीवो या फिर आईक्यू स्मार्टफोन में जो कि एंड्रॉयड 12 पर रन कर रहा हो या फिर एंड्रॉयड 12 अपडेट के बाद आप थिंग को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पर उससे पहले गाइस, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे आने वाले हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर गाइज आपने हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फिर चलिए गाइज, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लास्ट बार गाइस, मैंने सेम ऐसा ही वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें जेड फोन ऐप का अपडेट आने के बाद आप में से कई लोगों को काफ़ी सारे दिक्कत होने लगी। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं, लेटेस्ट थीम स्टोर कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ से गाइस मैं वाले सेक्शन के अंदर चले जाता हूँ, सेटिंग के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको नीचे थीम स्टोर का वर्जन लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। तो थीम स्टोर का वर्जन गाइस आपको लेटेस्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको 7.4.4.0 वाला यहाँ पर वर्जन देखने को मिलता है। तो इस वाले वर्जन में गाइस आपकी कोई भी कस्टम थीम वगैरह काम नहीं करती, ना ही आपको यहाँ पर कस्टम फॉन्ट वगैरह काम करते हुए देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं, मेरे लोकल थीम वाले सेक्शन के अंदर कोई भी कस्टम थीम ऐड नहीं है, सिर्फ एक सिस्टम थीम ही यहाँ पर ऐड करी हुई देखने को मिलती है। लोकल फॉन्ट वगैरह में भी गाइस आपको कोई भी एक फॉन्ट देखने को नहीं मिलता। तो इसका सलूशन गाइस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए गाइस आपको अपने स्मार्टफोन का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद गाइस आपको ऊपर जाके सर्च बार में गाइस सर्च कर लेना है जेड फोन 3। तो स्पेलिंग वगैरह गाइस आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। जेड फोन 3 एप्लीकेशन को आपको यहाँ से सर्च कर लेना है। जेड फोन 3 एप्लीकेशन सर्च करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस टाइप का आइकन वाला एक ऐप आएगा। तो ये आपको यहाँ से इस वाले ऐप को ओपन कर लेना है। एंड आपने अगर पहले से इंस्टॉल करा हुआ है तो आपको अपने इस वाले ऐप को अपडेट कर लेना है। तो यहाँ से गाइस मैं इस ऐप को अपडेट कर लेता हूँ। देन गाइस आपको यहाँ से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद गाइस आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने के लिए कहा जाए, तो आपको यहाँ से एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको यहाँ से कोई भी एक फॉन्ट फाइल या फिर कोई भी कस्टम फॉन्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। तो जैसा कि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टाइलिश करके एक सेक्शन दिया गया है। तो यहाँ से आपको कोई भी एक फॉन्ट फाइल सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको नीचे डाउनलोड पे टैप करना है। देन गाइस आपको अप्लाई करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उस पर टैप करना है। अगर गाइस आप फर्स्ट टाइम ये यूज़ कर रहे हैं ये वाला ऐप, तो आपको जेड फोन प्लगइन वगैरह डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो वो आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। देन गाइस आपको अप्लाई पे टैप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको गेट स्टार्टेड पे टैप कर लेना है। देन यहाँ पर गाइस आपको डेवलपर ऑप्शन पे टैप कर देना है। तो यहाँ पर गाइस आप सीधे रीडायरेक्ट हो जाएंगे डेवलपर ऑप्शन में। गाइस अगर आपके स्मार्टफोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल्ड होगा, तो अगर गाइस आपके स्मार्टफोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल नहीं है, तो उसके लिए गाइस आपको सिंपली अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। सेटिंग्स के अंदर चले जाने के बाद गाइस आपको स्क्रोल करके नीचे चले आना है। एंड यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है अबाउट फोन, तो अबाउट फोन के अंदर गाइस आपको यहाँ से चले जाना है। देन गाइस आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर चले जाना है। यहाँ पर आपको बिल्ड नंबर करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको गाइस यहाँ पर बिल्ड नंबर वाले ऑप्शन पे 7 बार टैप करना है। तो आप जैसे ही 7 बार टैप करेंगे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, तो गाइस पासवर्ड डाल के आपको कंटिन्यू कर लेना है। देन यहाँ पर गाइस आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, यू आर नाउ अ डेवलपर। देन गाइस आपको बैक चले आना है, वापस से आपका जो जेड फोन 3 एप्लीकेशन वो आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। और नीचे गाइस आपको एक स्टार्ट करके एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो उस पर गाइस आपको अभी टैप नहीं करना, अभी आपको डेवलपर ऑप्शन पे ही अगेन टैप कर लेना है। तो डेवलपर ऑप्शन के ऊपर आपको अगेन जैसे टैप करेंगे तो आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा। देन गाइस आपको वायरलेस डिबगिंग पे आपको लेफ्ट साइड पे टैप करना है। देन यहाँ पर आप जैसे इसको ऑन करने का ट्राइंग करेंगे तो प्लीज़ कनेक्ट टू वाईफाई नेटवर्क कर लेकर करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको गाइस अपने घर पे कोई और स्मार्टफोन होगा तो उसका हॉटस्पॉट ऑन करके आपको इस स्मार्टफोन का वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो आपको वापस जो डेवलपर ऑप्शन वहाँ पर चले जाना है। यहाँ पर गाइस आपको वायरलेस डिबगिंग के लेफ्ट साइड पे टैप करना है, देन आपको इसको ऑन कर लेना है। तो यहाँ से गाइस मैं इस वाले वायरलेस डिबगिंग वाले ऑप्शन को ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे ही गाइस आप वायरलेस डिबगिंग को ऑन करते हैं, अगर आपका वाईफाई कनेक्ट होगा तो आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, तो आपको यहाँ से अलाउ कर लेना है। देन गाइस आपको पेयर डिवाइस विद क्यूआर कोड एंड विद पेयरिंग कोड करके दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो आपको पेयरिंग कोड वाला ऑप्शन पे टैप करना है। देन गाइस आपके सामने एक कोड आएगा, एंड ऊपर से गाइस आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, एंटर पेयरिंग कोड करके जेड फोन का एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आपको गाइस ये वाला कोड यहाँ से जो सेम कोड है ऊपर आपको एंटर पेयरिंग कोड करके ऑप्शन देखने को मिलता है, तो वहाँ पर आपको पूरा टाइप करना है। टाइप करने के बाद गाइस आपको सेंड करके एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो उस पर आपको टैप कर लेना है। तो पेयरिंग सक्सेसफुल करके आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। देन गाइस आपको बैकग्राउंड में चले जाना है, जेड फोन ऐप को ओपन करना है, एंड यहाँ पर गाइस आपको इस स्टार्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर लेना है। तो जैसे ही गाइस आप इस पे टैप करते हैं, तो अगर आपके सामने कुछ इस टाइप का एरर आता है तो आपको अगेन वायरलेस डिबगिंग को ऑन ऑफ कर लेना है। तो सेम प्रोसीजर गाइस आपको यहाँ पर भी कर लेना है।
तो यहाँ पर गाइस मैं वायरलेस डिबगिंग को अगेन ऑन ऑफ कर लेता हूँ, सेम प्रोसीजर को रिपीट करना है एंड वापस से आपका जो बैकग्राउंड में Zphone 3 एप्लीकेशन है वो आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा एंड लास्ट में गाइस आपको एक सक्सेस का मैसेज आएगा, उसके बाद Zphone 3 एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। तो अगेन गाइस ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस अगर आप ये सेम यह प्रोसीजर यहाँ तक ही करते हैं तो आप फॉन्ट वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं लोकल में कोई भी मैं एक फॉन्ट फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर गाइस मैं अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर यहाँ से गाइस ये मतलब चेंज फॉन्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से गाइस आप अपने स्मार्टफोन में फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं एंड्रॉइड 12 अपडेट के बाद या फिर फॉन्ट टच ओएस 12 वाले स्मार्टफोन में भी। तो यहाँ तक गाइस अगर आप इन स्टेप को छोड़ देते हैं तो आप फॉन्ट वगैरह तो चेंज कर सकते हैं लेकिन थीम्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं गाइस आपके स्मार्टफोन में से थीम स्टोर का एप्लीकेशन गायब हो चुका होगा। तो यह बात गाइस आपको यहाँ पर ध्यान दे देनी। तो इसके बाद गाइस आपको करना क्या है कि आपको अपने स्मार्टफोन में जो फाइल मैनेजर है वो एक इंस्टॉल कर लेना है। तो ये वाले फाइल मैनेजर की लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी और आपको themesgallery.in वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से गाइस मैं इस वाले फाइल मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी और साथ में गाइस आपको एक और एप्लीकेशन की लिंक देखने को मिलेगी। तो आपको दोनों ऐप इंस्टॉल कर लेने हैं, देन गाइस आपको डाउनलोड के फोल्डर के अंदर चले जाना है। यहाँ पर गाइस आपने जो थीम स्टोर है वो आपको यहाँ से इंस्टॉल करना रहेगा जो कि आपको 6.9.3.4 वाला वर्जन देखने को मिलेगा जिसमें आपकी सारी थीम्स वर्किंग देखने को मिलेगी और ये फंड चॉइस 12 एंड एंड्रॉइड 12 स्मार्टफोन में आपको वर्किंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर गाइस हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है तो मैं यहाँ पर डन कर लेता हूँ एंड देख सकते हैं ऐप ड्रॉअर में गाइस हमारा थीम स्टोर वापस आ चुका है। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गाइस आपसे कुछ परमिशन वगैरह मांगा जाएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह एग्री करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर गाइस मैं परमिशन वगैरह अलाउ कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पर गाइस लोकल सेक्शन के अंदर चले जाता हूँ, सेटिंग के अंदर चले जाता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वर्जन है गाइस 6.9.3.4 एंड ऊपर गाइस आपको ऑटो अपडेट रिसोर्सेज ओवर वाईफाई तो ये वाला ऑप्शन आपको डिसेबल कर लेना है एंड आपको सेटिंग में जाके गाइस एप्स ऑटो अपडेट वाला ऑप्शन भी ऑफ कर लेना है। देन यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं लोकल थीम के अंदर मतलब हमारी सारी थीम्स आ चुकी है जो कि हमने अप्लाई की थी। फॉन्ट वगैरह गाइस आप इस वर्जन में चेंज नहीं कर सकते लेकिन आपको थीम वगैरह चेंज करने का ऑप्शन ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमारे थीम स्टोर में काफ़ी सारी कस्टम थीम्स ऐड है। तो थीम अप्लाई करने के लिए गाइस आपको ये वाला फाइल मैनेजर ओपन करना है, थ्री डॉट पे टैप करना है, सेटिंग के अंदर चले जाना है। यहाँ पर गाइस आपको डिस्प्ले हिडन डायरेक्टरीज एंड फाइल वाला ऑप्शन इनेबल कर लेना है। देन गाइस आपको बैक चले जाना है, फोन स्टोरेज के अंदर चले जाना है एंड यहाँ पर गाइस आपको डाउनलोड वाला फोल्डर फाइंड करना है। इसके अंदर गाइस आपको आई थीम करके फोल्डर देखने को मिलेगा डाउनलोड वाले फोल्डर में, आपको गाइस ये आई थीम वाला फोल्डर कंप्लीट डिलीट कर लेना है। देन गाइस आपने जो थीम फाइल डाउनलोड की थी वो आपको जिप फॉर्मेट में देखने को मिलेगी तो उसको आपको पासवर्ड डाल के एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो उसके अंदर से गाइस आपको .etz वाली फाइल देखने को मिल जाएगी, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। देन गाइस आपको नीचे की और देख लेना है, तो यहाँ पर गाइस आपको नीचे कॉपी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कॉपी का, आपको स्पेस टैप करना है। देन गाइस ऊपर आपको फोन स्टोरेज पे टैप कर लेना है एंड यहाँ पर गाइस आपको फाइंड कर लेना है .dwd वाला फोल्डर जिसका गाइस आपको कुछ इस टाइप का फोल्डर देखने को मिलेगा। तो आपको इस वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है, इसके अंदर गाइस आपको बहुत सारे फोल्डर देखने को मिलेंगे। तो उसमें आपको लास्ट में 5 फोल्डर देखने को मिलेंगे, तो उसमें से आपको 5 में से टी वाले फोल्डर के अंदर थीम फाइल पेस्ट कर देनी है। यहाँ पर गाइस थीम पहले से पेस्ट है तो मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ। देन गाइस आपको बैकग्राउंड के सारे ऐप्स को रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद गाइस आपको थीम स्टोर को अगेन ओपन करना है। थीम स्टोर को ओपन करने के बाद गाइस आपको लोकल या फिर मी वाले सेक्शन के अंदर चले जाना है। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमारी थीम सक्सेसफुली ऐड हो चुकी लोकल थीम वाले सेक्शन में। तो यहाँ से गाइस आप थीम को अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं थीम को गाइस अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी थीम सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी है। होम स्क्रीन का गाइस सारे आइकन चेंज हो चुके हैं, लॉक स्क्रीन वगैरह गाइस आपको यहाँ पर चेंज होती हुई देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पर गाइस आपको एक और चीज़ बता दूँ कि कई सारे फंड चॉइस 12 वाले स्मार्टफोन में लॉक स्क्रीन वगैरह या फिर होम स्क्रीन वगैरह चेंज होती है लेकिन सेटिंग डायलर चेंज नहीं होता। तो ये ऑप्शन आपको कई स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, कई में देखने को नहीं मिलता। एंड दूसरी ये चीज़ कि गाइस आप अपने स्मार्टफोन को जैसे ही पावर ऑफ या फिर रीस्टार्ट करते हैं, अगर आपका स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 या फिर फंड चॉइस 12 वगैरह पर रन कर रहा है, तो जब आप पावर ऑन करते हैं अगेन अपने स्मार्टफोन को, तो आपका जो थीम स्टोर वाला वर्जन है वो आपका लेटेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा या फिर आपने जो एप्लीकेशन वगैरह डाउनग्रेड करी थी इस मेथड के ज़रिए तो आपके सारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती थी। यहाँ पर गाइस लोडिंग वगैरह ले रहा है तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस जैसे ही मैं थीम स्टोर को ओपन कर लेता हूँ पावर ऑफ ऑन करने के बाद, तो जैसे मैं इसके मी के सेक्शन के अंदर चले जाता हूँ, सेटिंग के अंदर चले जाता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली गाइस आपका 7.4.4 वाला वर्जन ऑटोमेटिकली आ जाता है एंड थीम्स वगैरह काम करनी बंद कर जाती है। तो आपको सेम प्रोसेस गाइस आपको रिपीट करना है, तो जितना हो सके उतना गाइस आप अपने स्मार्टफोन को पावर ऑफ मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि गाइस कई बार आप पावर ऑफ भी नहीं करते अपने स्मार्टफोन को फिर भी आपका थीम स्टोर लेटेस्ट वर्जन में ऑटोमेटिकली चला जाता है, तो उसके लिए गाइस
आपको अपने स्मार्टफोन का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। यहाँ से गाइज आपको ऊपर सर्च बार में सर्च कर लेना है थीम स्टोर। थीम स्टोर सर्च करने के बाद गाइज आपको कंटिन्यू करना है एंड यहाँ पर गाइज आपके सामने कुछ इस टाइप के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। देन गाइज आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, नीचे आपको मोर रिजल्ट वाले ऑप्शन के अंदर चले जाना है। यहाँ पर गाइज आपको कुछ इस टाइप का आइकन वाला एक थीम्स करके एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर गाइज आपको इनेबल ऑटो अपडेट वाला ऑप्शन होगा, वो आपको टिक होगा तो आपको यहाँ से डिसेबल कर लेना है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से थीम्स वगैरह को ऑटो अपडेट होने से बचा सकते हैं। सो आज के इस वाले वीडियो में गाइस बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो हेल्पफुल जरूर रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।